बुधवार की दोपहर नगर निगम की टीम इस्कॉन मंदिर पहुंची। यहां से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस्कॉन मंदिर के सामने दुकानदारों द्वारा नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण पर नगर निगम के कर अधिकारी आशुतोष गुप्ता ने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी। वहीं एक कपड़ा व्यापारी द्वारा अतिक्रमण करने पर उसका 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। वन महाराजा कॉलेज के सामने अस्थायी रूप से रखे खोखे और अतिक्रमण को भी ध्वस्त कराया गया। यकायक वृंदावन शोध संस्थान के समीप तब गहमा गहमी का माहौल बन गया जब हिंदूवादी नेता रमेश पुजारी और पूर्व सभासद छोटे गौतम से निगम के अधिकारियों की तीखी नोकझोंक होने लगी। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सूबे की सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने निगम कर्मचारियों पर पक्षपात का आरोप मढ़ते हुए कहा कि इस्कॉन मंदिर के आगे लगाई गई रेलिंग को नहीं हटाया गया, जबकि गरीब लोगों के खोखों को तोड़ दिया गया। विरोध के बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों का अभियान जारी रहा और उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए अस्थायी रूप से जमे खोखे और अन्य अतिक्रमण को हटवाया। अभियान के संबंध में नगर निगम के कर अधिकारी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आज रमन रेती से विद्यापीठ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं। इसमें जो भी अतिक्रमण करते हुए खोखे मिलेंगे उनको जब्त करते हुए जाएंगे, साथ ही इन पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुकान के आगे अतिक्रमण कर रखा था जो उनसे समय मांग रहे थे, उनका जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि इस्कॉन मंदिर के सामने एक दुकानदार पर 5,000 रुपए की जुर्माने की कार्यवाही भी की गई है। का अभियान चलाया गया नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा। आज रमणा लेती से लेकर इस पे हम लोग बिहारी जी मार्ग पे चलेंगे और इस पे अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं। इसमें जो जो हमको अतिक्रमण करते हुए खोके या अन्य सामान वगैरह मिलेगा तो उसको जब्त करते जाएंगे और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ लोगों को जुर्माना भी किया गया आज? हाँ, आज जो दुकानों के आगे सामान लगाए हुए थे वो समय मांग रहे थे हटाने के लिए, तो उन पर हम लोगों ने जुर्माना किया है। कितना जुर्माना किया गया? 5,000 रुपये जुर्माना लगाया इस्कॉन मंदिर के सामने हम लोगों ने। अब तक लगभग कितने लोगों को जुर्माना किया जा चुका? आज अभी हम लोगों ने आधे घंटे पहले अभियान चालू किया है जिसमें कि एक दुकानदार के ऊपर 5,000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है।